नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का जो हमारे चैनल को देखते हैं, देश में देखते हैं, विदेश में देखते हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या घंटी वाले निशान को नहीं दबाया है तो अभी दबा दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और घंटी वाले निशान को नहीं दबाया है तो वो सर्वप्रथम घंटी वाले निशान को दबा दें ताकि आपको मिल सके वह सभी जानकारियां समय पर, क्योंकि जानकारियां तभी आपके काम आएंगी जब वह समय से आपके पास पहुंचेंगी, अन्यथा उस जानकारी का कोई लाभ नहीं होगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। 14 दिसंबर 15 दिसंबर को 12वें हाउस में केतु और चंद्रमा बनाएंगे ग्रहण दोष। तो ग्रहण दोष के नाम से आप थोड़ा डर गए होंगे, घबरा गए होंगे, तो निश्चित तौर पे आपको आज के दिनों में यानी सभी कुंभ राशि वालों को सावधानी बरतनी होगी। चलिए जानते हैं यह ग्रहण दोष आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा 14 और 15 दिसंबर को। मैं उपाय भी बताऊंगा बचने के, करेंगे उपाय तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा। 14 और 15 दिसंबर को चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में 12वां भाव अपने आप में शुभ भाव नहीं है, वहां पर केतु का होना ग्रहण दोष का निर्माण करता है, यानी चंद्रमा और केतु का होना ग्रहण दोष का निर्माण करता है। केतु को छाया ग्रह माना गया है, लेकिन छाया ग्रह भी अपना शुभ अशुभ फल देने में देर नहीं लगाते हैं। अगर शुभ योग बन रहा हो तो अर्श पर, अशुभ योग बन रहा हो तो फर्श पर भी यह ग्रह आपको ले जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ, यदि शुभ है तो आपको आसमान की बुलंदियों पे ले जा सकते हैं, अशुभ है तो आपको जमीन की गहराई में ले जाकर कष्ट और पीड़ा भी दे सकते हैं। आज के दिन आपका मन अशांत रहेगा। इन 2 दिनों में आपको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। आपके साथ रहने वाले लोग, आपके साथ लंबा समय बिताने वाले लोग आज आपकी गतिविधियों को समझ नहीं पाएंगे कि आप कब और क्या कैसे करेंगे, या कहें आप स्वयं भी अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। आज आपको ग्रहों की शक्ति चलाएगी जिसकी वजह से कुछ शुभ कुछ अशुभ फैसले, कुछ अच्छे या कुछ बुरे फैसले आप ले सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं, इस समय में किए जाने वाले सभी कामों को, अपने निर्णयों को एक नहीं 2 बार विचार करें, 4 बार विचार करें। सलाह लेने की आवश्यकता है तो सलाह लें। अहंकार में आकर अपने आप को सही मानकर कोई भी बड़ा फैसला ना करें। आज आप कुछ गलत निर्णय लेकर, कुछ गलत फैसले लेकर, कुछ गलत काम करके खुद को तो परेशानी में डालेंगे ही डालेंगे, अपने साथ के लोगों को, परिवार के लोगों को, ऑफिस के लोगों को, व्यापार के लोगों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। वाहन बहुत समझदारी से, सावधानी से आपको चलाने की मैं सलाह देता हूं। आज आप अपनी नादानी की वजह से नौकरी में हानि, धन हानि, मान सम्मान में हानि कर सकते हैं, और आज आप चिंता से ग्रसित रहेंगे। पहले तो आप गलतियां करेंगे, फिर जब उन गलतियों का परिणाम आपके सामने आएगा तो चिंता और ज्यादा बढ़ेगी, आप और ज्यादा परेशान होंगे। तो ना करें गलतियां और ना बढ़ाएं अपनी चिंता को। इसके लिए उपाय भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी स्वयं के ऊपर। परिवार के सदस्यों के साथ, जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ, मित्र के साथ, बच्चों के साथ और अन्य रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अनजान व्यक्तियों के साथ आज आप बेवजह झगड़ सकते हैं। यह समय कदम फूक फूक कर रखकर अपनी गलतियों को ना करके समय को शुभ बनाने का है। आपको खुद की बुराइयों से खुद को बचाना है, कहीं ऐसा ना हो आपकी ही बात आपके ऊपर पड़ जाए, आप कुछ ऐसा स्वयं कर बैठे जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पीड़ा झेलनी पड़े, कहीं आज आप स्वयं के ही दुश्मन ना बन जाए। आज आपका शत्रु कोई और नहीं, आप स्वयं हो सकते हैं। अपने कमाए धन को और अपनी मेहनत से कमाई इज्जत और अपने कर्मों को बिल्कुल भी खराब ना करें। अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें,
अपने हाथों को पैरों को कंट्रोल में रखें, अन्यथा आप किसी को आज बेवजह मार पीट भी सकते हैं। निंदा के पात्र ना बने, इसलिए किसी की चुगली इत्यादि बिल्कुल भी ना करें। किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अपने कर्मों को पूर्णतया शुद्ध रखें। आज आप काफी डरे डरे भी रहेंगे, आपके अंदर डर रहेगा, आप डरपोक होंगे। धन कमाने वाले होंगे, लेकिन धन को खर्च करने वाले और बेकार करने वाले भी आप ही होंगे। यानी इस हाथ कमाएंगे, उस हाथ गंवा भी बैठेंगे। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इन सब चीजों में यदि आप रुचि रखते हैं तो आपको हानि होने की संभावना है, या विशेष सावधानी के साथ ही इन सब चीजों में अपने धन को लगाएं। पैतृक संपत्ति में विवाद भर सकते हैं। आपकी कुछ ऐसी बातें या हरकतें हो सकती हैं जिससे आपको पैतृक संपत्ति से वंचित होना पड़ सकता है। आज आपको गुप्त रोग हो सकते हैं, आंखों में दिक्कत हो सकती है, मुंह के रोग हो सकते हैं, गुदा द्वार में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, इन सब की। और यदि ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पे आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आज के दिन आपके बच्चे हो सकता है आपसे कम बात करें, या आपके क्रोध के सामने वह ना आ सकें, या आपसे दूर दूर रहें और आप उनके पास जाने का प्रयास करें। इसलिए आप इस बात का भी ख्याल रखिएगा, मर्यादा का भी ख्याल रखिएगा, कहीं आप बच्चों के साथ कोई अभद्र व्यवहार करके आज अपनी छवि को हमेशा के लिए खराब ना कर दें। आपको अपनी पत्नी, आपको अपने पति, आपको अपने अन्य परिवारजनों से बहुत अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। हो सकता है आज आपका विचित्र स्वभाव लोगों को समझ में ना आए, तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने परिवार के और लोगों को भी दिखाएं, ताकि वह भी समझ सकें कि आपका आज के ये दो दिन कैसे हैं, ताकि आप कोई गलती करते भी हैं तो वो आपको संभाल सकें, समझा सकें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, वीडियो को खुद देखें, अपने परिवारजन को दिखाएं, ताकि आप सभी लोग एक दूसरे के बारे में जान सकें। क्योंकि जो परिवार है, कुटुंब है, वह एक दूसरे के साथ से चलता है, एक दूसरे के सुख दुख से चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का दिन शुभ जाए, आप लोग मेरी बात को मानकर इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैं आपका सच्चा मित्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में कष्ट ना आए। अब बात करते हैं उपाय की। आज के दिन आपको मूली का दान करना शुभ रहेगा। हरी सब्जियां, लंबी हरी सब्जियों का दान करना शुभ रहेगा। आज के दिन आप भगवान शिव की उपासना करें, आज के दिन आप हनुमान जी की उपासना करें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा और आज अपने दिन को आप अच्छा बना पाएंगे। और यदि संभव है तो गाय को हरी सब्जियों का चारा खिलाना, भरपेट चारा खिलाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी शुभकारी रहेगा, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए। तो आप सभी कुंभ राशि वाले मेरे प्रिय दर्शक, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपको जानकारी देने में, आप भी कोई कसर मत छोड़िएगा। हरिओम, नमस्कार।